बहुत डिफरेंट चीज है। और अभी अभी इस बात का जिक्र हो भी रहा था ना, नहीं अभी इस बात का जिक्र हो भी रहा था कि एएमयू में सब कर रहे हैं हिंदू धर्म का भी। अब एक बार एक सुन लेते हैं, एक बार एक ऐसा ही है ना, जैसा जिक्र अभी हो भी रहा था कि जिन जिन छात्र नेताओं ने ये मुद्दा उठाया है, अरे डॉक्टर पब्लिसिटी उन्होंने पाली रावत, हमने मान लिया हिंदुत्व के ध्वजवाहक आप है। एक बार सुनिए, एक एक सुन लीजिए। एक बार देखिए, अभी मौलाना साहब ने ये बोला कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम का यही है, जो अच्छी है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, अभी मौलाना साहब ने ये भी बोला भाषा, सारी भाषा खुदा की है। अगर सारी भाषा खुदा की है तो भाषा के शब्दों से परहेज क्यों, वो भी तो खुदा की है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, अभी मौलाना साहब ने ये भी बोला भाषा, सारी भाषा खुदा की है। अगर सारी भाषा खुदा की है तो भाषा के शब्दों से परहेज क्यों, वो भी तो खुदा की है। तो ओम शब्द से भी परहेज क्यों, नहीं क्यों परहेज क्यों क्यों है, जब वो हमारे सामने विकल्प है। यानी आपने मान लिया ना कि इस्लाम में ओम से परहेज नहीं है ना। पढ़ी है भाई हमने तो चारों वेद में है और पुराने सम्मान कर, आप इस चीज को डिक्लेयर करते हैं उपाधि पर आप ओम से कोई परहेज नहीं है, तो सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, किसी को परहेज नहीं जो नहीं जानते वो इस तरह की बात करते। बस तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूं, किसी को परहेज नहीं जो नहीं जानते वो इस तरह की बात करते। बस तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, किसी को परहेज नहीं जो नहीं जानते वो इस तरह की बात करते। बस तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लड़के ऐसा बोल रहे हैं कि हम सूर्य नमस्कार इसलिए नहीं करते, नहीं जानते हैं। मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, हमने अर्थशास्त्र पढ़ी है, चारों वेद पढ़ी है। देखिए ऐसी विचारधारा, ये असली इस्लाम है। हमने गीता पढ़ी है, मेरे पास गीता की जो है 19 व्याख्या है। एक बार अशोक जी से अशोक जी के पास चले चलते हैं।